एमपी से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी का चीफ नहीं बनाया गया तो सिंधिया पार्टी छोड़ देंगे। हमने कुछ दिन पहले भोपाल से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट में दिखाया था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होंगे, क्या कमलनाथ सरकार गिर सकती है। वैसा ही नजर आ रहा है, अगर सिंधिया पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसके लिए भोपाल से देखिए हमारे संवाददाता अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। आपने कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में खींचातानी चल रही है। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी, अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अगर ऐसे में कुछ होता है या तो कर्नाटक की जैसी स्थिति बन सकती है, आगे क्या होगा ये एक बात का विषय है। लेकिन फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहीं भाजपा भी इस मुद्दे को बनाना चाहती है। और मतलब जो है कर्नाटक वाली स्थिति अगर बन जाती है तो भाजपा की सरकार बनना तय है। क्योंकि तो अगर सिंधिया जी जाते हैं पार्टी छोड़कर भाजपा में, तो उनके साथ उनके समर्थक विधायक भी उनके साथ जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर यूं कहें कि पार्टी पर राहु केतु के बादल मंडरा रहे हैं और शनि भी अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। पार्टी पर कब ग्रहण लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह खेमे की वजह से पार्टी संकट में आ सकती है, क्योंकि अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वह खुद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। अपने समर्थकों की मांग को लेकर सिंधिया ने भी पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अगर हाईकमान सिंधिया को प्रदेश का पीसीसी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं तो दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में फंसे नजर आ रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ भी पुत्र मोह से अछूते नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय राज दोनों ही सिंधिया को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, तभी तो वे सिंधिया को कभी उत्तर प्रदेश तो कभी महाराष्ट्र भिजवाने की सिफारिश हाईकमान से करते आ रहे हैं, ताकि अपने बेटों का भविष्य प्रदेश में उज्जवल हो सके। यह बात खुद सिंधिया और उसके समर्थकों को समझ में आ गई है, इसलिए सिंधिया भी विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी ही पार्टी से नाराज देखे जा रहे हैं। इस पर भाजपा भी अपनी नजर बनाए हुए है और मौका देखकर चौका मार सकती है। हालांकि सिंधिया खुद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, जो मीडिया में खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।